iPhone 14 Pro Max versus Canon R5, अब ये जो पूरा सेटअप है यार राउंड कॉस्ट करता है 5 लाख का, और ये है iPhone 14 Pro Max जो अभी लेटेस्ट iPhone का कैमरा है। तो मैंने सोचा है थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई स्मार्टफोन्स में वन ऑफ द बेस्ट कैमराज वर्सेस डिजिटल कैमरा मिररलेस कैमरा दोनों में क्या डिफरेंस आता है। फोटोज़ के सैंपल लेंगे, वीडियोज़ लेंगे, पोर्ट्रेट, सिनेमैटिक सारे मोड्स में ट्राई करूँगा, और देखते हैं कि अगर आपके माइंड में है कि भाई आपको व्लॉगिंग शुरू करना है, आपको फोटोग्राफी करनी है, तो क्या अभी भी 2023 में आपको एक कैमरा लेना चाहिए या आईफोन से भी काम हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। अब आईफोन का जो प्राइमरी कैमरा है उसका फोकल लेंथ 24mm है, तो मैंने अपने कैमरा में 24mm डायल कर लिया है और f8 डाल लिया है बिकॉज जो डेप्थ है मैं चाहता हूँ कि दोनों की सेम आए ताकि हम एक्चुअल कंपेरिजन कर सकें। तो एक गेम खेलते हैं, मैं आपको ए और बी दो इमेजेस दिखाऊंगा, आपको पहले अपने माइंड में गेस करना है कि ए वाली कौन सी है, बी कौन सी है, R5 और आईफोन की कौन सी है, और उसके बाद मैं आपको रिवील करूंगा कि एक्चुअली ये फोटोज किससे कैप्चर हुई थी। तो फोटोज देखो और आप गेस करो। तो अभी जो आपने इमेजेस देखी उसमें जो ए वाली इमेजेस थी वो सारी कैनन R5 से शूट हुई थी और बी वाली iPhone 14 Pro Max से। कमेंट करके बताना कितने लोगों ने सही गैस करा था। अगर आपने सही गैस किया तो हो सकता है आपको आगे की इमेजेस देख के अब थोड़ा जो पैटर्न है वो समझ आने लगे। अब यहाँ पे हम सिनेमैटिक मोड ट्राई कर रहे हैं, तो कैमरा में तो पता ही है ब्लर इफेक्ट आता है, तो सिनेमैटिक मोड में मैंने 2.8 सेट कर दिया 1x पे 24mm पे। तो देखते हैं, साइड बाय साइड वीडियो लेते हैं एंड लेट्स सी कि दोनों में कैसा वीडियो ब्लर इफेक्ट के साथ आता है। अभी हम दोनों साइड बाय साइड सिनेमैटिक मोड टेस्ट कर रहे हैं, तो आईफोन का फ्रंट कैमरा यूज़ हो रहा है और जबकि अगर मैं एक डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मिररलेस, तो यहाँ पे मैं इसी का प्राइमरी जो सेंसर है वो यूज़ कर पा रहा हूँ, जस्ट टू शो कि डिफरेंस क्या आता है। दोनों 4K में वीडियो हैं, तो अगर आप ब्लॉगिंग के लिए देख रहे हो, स्पेशली आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हो, तो हेयर अ साइड बाय साइड कंपेरिजन। अब रियर पे मैं स्विच करता हूँ आईफोन पे और देखते हैं कि कुछ फ़र्क आता है नहीं आता सिनेमैटिक मोड में। अब आईफोन के रियर सिनेमैटिक मोड पे मैंने स्विच कर लिया है, तो दोनों के ही प्राइमरी कैमराज यूज़ हो रहे हैं, फ्रेम ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट टू सी कि अगर आप सिनेमैटिक मोड में आईफोन में शूट कर रहे हो और डिजिटल कैमरा का जो ओरिजिनल ब्लर है और इस तरीके से आप वीडियोज़ बनाते हो, तो कैसा साइड बाई साइड कंपेरिजन आएगा। तो ये एक टेस्ट है जस्ट टू सी, हल्का सा अगर मैं मूव भी करता हूँ फ्रेम में तो ये एज डिटेक्शन कैसा कर रहा है साइड से। इससे ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप आईफोन से सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हो तो एज डिटेक्शन कैसा मिलता है। अब वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टेस्ट करते हैं, वो है स्टेबलाइजेशन का। तो यहाँ पे एक पाथ है और वीडियो का डायनामिक रेंज भी टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा लो लाइट है, बाहर हाई लाइट्स है, और साथ ही साथ मैं चलते हुए शूट करूँगा वीडियो तो थोड़ा स्टेबलाइजेशन भी पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इसका पोर्ट्रेट मोड ट्राई करते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1x पे लूँगा 24mm पे और 3x पे जाके मुझे 77mm का इसका 3x है, तो वो मैच करने के लिए मैं ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ 70-200, तो इसको भी मैंने अराउंड 75-77 पे सेट कर लिया f2.8 पे। तो अब कुछ पोर्ट्रेट्स लेते हैं 1x और 3x और देखते हैं कि फ़र्क क्या आता है दोनों में, जो एक्चुअल ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। अब एक और मेजर डिफरेंस जो दोनों में है वो है मैक्रो का। तो आईफोन में या जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं बेसिकली उसमें इनबिल्ट मैक्रो मोड होता है, वही अगर मैं डिजिटल कैमरा की बात करूं तो इस लेंस में मैक्रो नहीं है, मुझे स्पेसिफिकली एक लेंस लेना पड़ेगा जो मैक्रो लेंस है मैक्रो फोटोग्राफी करने के लिए। तो अगर आप काफ़ी ऐसा शूटिंग स्टाइल है कि आपको वीडियोज़ या फोटोज़ मैक्रो में चाहिए, तो आईफोन में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको वो मिल जाता है, कैमरा के लिए अलग से डेडिकेटेड लेंस लेना पड़ेगा और फ़ोन में क्या कुछ लेंस भी चेंज नहीं करने पड़ते, तो शूट करना इजी हो जाता है। तो अब सारे फोटो वीडियोस को साइड बाय साइड देखने के बाद मैं अपना कंक्लूजन शेयर करूंगा 3 कैटेगरीज में, एक है स्टैंडर्ड फोटो, एक है पोर्ट्रेट और एक है वीडियोस। अब मैं इस वीडियो को सीरियस नहीं बनाना चाहता था, बट मुझे चाहिए कि भाई आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कैमरा की। तो देखो
क्लियर कट यहाँ पे डिफरेंस है। अगर मेरी फोटोज में स्काई बहुत है या डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा है, आईफोन से क्या है स्ट्रेट आउट ऑफ फोन मुझे ऐसी फोटोज़ मिल रही है जो मैं सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ। और आजकल सोशल मीडिया का ही टाइम है एक तरीके से, अगर आप बहुत एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई फोटो खींचा और आईफोन से डायरेक्ट मुझे अपलोड करना है तो आईफोन कैमरा इज़ द वे टू गो विद। वही अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल कैमरा की R5 की जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो देखो अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है और आप अपनी फोटोज़ में बेस्ट डायनामिक रेंज, डिटेल, शार्पनेस निकालना चाहते हो और कल को आप चाहते हो वो फोटोज़ प्रिंट भी हो या आप उन्हें सेल करना चाहते हो या क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, देन अभी भी देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल कैमरा। बेसिकली अगर मैं इतनी सी स्क्रीन में अपनी फोटोज़ देख रहा हूँ ना, मुझे इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा। और एक आम बंदे को जो सोशल मीडिया पर फोटो देख रहा है उसे कलर्स और एक तरीके से सैचुरेशन से ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब होता है। प्रोफेशनल को मतलब होता है डिटेल्स और डायनामिक रेंज से। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे जो है पोर्ट्रेट मोड। अब आईफोन का पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुई है 14 प्रो मैक्स में भी, मुझे लगा डिफरेंस आया है। बट अभी भी वही चीज़ है, अगर आप दोनों की साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे ना, आप इंस्टेंटली अगर बाल या कान या चश्मे पे नोटिस करोगे ना, आपको पता लग जाएगा आईफोन कौन सा और एक डिजिटल कैमरा कौन सा है, चाहे वो 30,000 का ही डिजिटल कैमरा क्यों ना। तो क्लियर चीज़ ये है, अगर आप फन के लिए पोर्ट्रेट्स ले रहे हो, वही अगर आपको अपलोड करके सोशल मीडिया पे डालना है, जहां आई अज्यूम आज के टाइम में 80% यही चीज़ हो रहा है, तो आईफोन इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बट अगेन अगर आप एक प्रोफेशनल शूट कर रहे हो या पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो कि कल को आप क्लाइंट को पिच करना चाहते हो, देन आई थिंक स्टिल डिजिटल कैमरा इज़ द वे टू गो वे, जहाँ पे आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा वीडियोज़ के बारे में, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आईफोन का साइड लूँगा। क्यों? बिकॉज अभी भी क्या होता है, हम स्टूडियो में आउटडोर जब शूट कर रहे हैं, हुआ क्या जल्दी से कुछ फुटेज निकालना है, तो कई बार मैं बोलता हूँ चलो आईफोन से ही निकालते हैं ना, सही तो आ जाएगा। एक बड़ा रीज़न आप यहाँ पे अगेन कंपैरिजन देखो, स्काई में ध्यान देना, आईफोन से सीधा स्काई मुझे ब्लूइश कलर मिल रहा है, जबकि डिजिटल कैमरा में मुझे बैठ के ग्रेड करना पड़ेगा, वो डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। बट हाँ, अगर आप अभी भी क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हो, अब जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, करने को मैं आईफोन से भी कर सकता था ना, बट मैं R5 से क्यों कर रहा हूँ, क्वालिटी, डायनामिक रेंज, कलर्स, ये सारी चीज़ें डिजिटल कैमरा से ही निकल के आ सकती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना यार आपकी क्या व्यूज़ हैं। मैं नहीं चाहता सिर्फ मैं जो बोल दूँ वो पत्थर की लकीर हो जाए, आप डिटेल, आप भी अपने व्यूज शेयर करना। आई वुड लव टू हेयर आप क्या बोलना चाहते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।